बिग बॉस सीजन 16 में एक बार फिर से इस नए हफ्ते के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिग बॉस ने इस बार कंटेस्टेंट्स पर ही छोड़ा है नॉमिनेशन का पूरा भार, क्योंकि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया है कि कंटेस्टेंट एक दूसरे को नॉमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि घर से दो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं, ऐसे में अब तीसरे कंटेस्टेंट की बारी है। बिग बॉस ने टीना और निमरित से कहा कि आप दोनों आपसी सहमति से गौतम और शालीन दोनों में से किसी एक को चुनो जिसे आप इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहती हैं। टीना ने कहा कि मैं गौतम को नॉमिनेट करूंगी, वहीं दूसरी ओर निमरित शालीन को नॉमिनेट करना चाहती हैं, जिसको लेकर टीना और निमरित के बीच काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। टीना का कहना है कि शालीन लगातार दो हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, इसलिए उसे इस बार एक मौका दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर निमरित का कहना है कि इस हफ्ते शालीन काफी स्ट्रांग है और गौतम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। अगर गौतम नॉमिनेट होते हैं तो काफी चांसेस है कि गौतम घर से बेघर हो जाएंगे, वहीं अगर शालीन नॉमिनेट होते हैं तो वो पूरी तरह से बच जाएंगे। दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक का नाम चुन ही नहीं पाते हैं और फिर दोनों की आपसी सहमति भी नहीं बन पाती है। आपको क्या लगता है कि शालीन और गौतम दोनों में से किसको ये दोनों नॉमिनेट करेंगे? हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।